यहाँ घर में पड़ेगी, समझ गया? महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, मगर इन पर पड़े कैसे, ये कठिन सवाल है। स्त्री को आगे कहा, ठीक है वे बोले तो पत्रिका में छाप दीजिए। मैंने कहा छापी नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा कमजोर है। वे बोले तो जो खराबी है मुझे बता दीजिए, इन्हीं ऊंचे संकल्पों में डूबा था कि एक शरीफ आदमी आ गया। जो लेखक नौकरी नहीं करता वह ऐसी गाय होता है जिसे कोई भी पकड़कर दो सकता है। मैं समझ गया कि इन सज्जन को चाय के लिए दूध की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए आपकी मर्जी मैडम, लिख देता हूँ। क्या नाम कहा आपने? सुरेन कुमार। आदमी उतरे जो कि उसे कुछ पैसे दे और उस पैसों से उसका आज का खाना हो जाए, आज का उसका दिन कट जाए। तो इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक इक्के से कुछ ईसाई लोग जो कि बहुत अमीर हैं उतरते हैं। आज आप सबको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें बहुत दुख है, दर्द है और एक माँ की प्यास है, एक पिता का अकेलापन है, एक भाई का प्यार है। अभी पर मैं रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे एड्स कैसे हो सकता? हाँ तो क्या कोई रीसेंट में इंजेक्शन लिया था या फिर कहीं कुछ खून दिया था, ऐसा कुछ? क्योंकि यूज इंजेक्शन से भी होता है ना। अभी तो कुछ दिनों पहले कह तो रहा था मैं किसी दोस्त को। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, इतना बड़ा हम ये ब्लड बैंक चला रहे हैं, इतने सालों से चला रहे हैं। हम 5 रुपए, देखिए आप कितना भरे पड़े, हम 5 रुपए की सीरेंज के लिए किसी की जान के साथ
कोई खतरा मोल नहीं लेते। मैम ये भी तो हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो नर्स हैं, जो कंपाउंडर हैं, उनसे कोई गलती हो गई हो। देखिए मैडम, इनका ब्लड मेरी सामने, मैंने ही चढ़वाया इनका ब्लड और मैं उस टाइम मौजूद। क्या हुआ?